इम्पोर्टेंस है। और यही इमरान खान का हुसन है कि उसने अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस लोगों को उनके बक्सेस, उसी लीडर के घर के ऊपर आपने शेल गिराए हैं। आप मुंह जरूर करें, आप पुरमन एहतजाज करने दें, जो हमारे एक्स आर्मी चीफ थे उनसे फिर बदला लेके दिखाएं। जिस औरत और जो लीगल टीम उसके पास है, आजम नजीर टॉटसॉफ, इतना बड़ा नाम। वालेकुम अस्सलाम। आज सारा दिन जो एक्टिविटी हुई पिछले 24 घंटे ज्यादा टाइम होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने देखा है कि एक ऐसी कौम जो कर्जों में डूबी हुई है, एक ऐसी कौम जिसकी मैशियत तबाह हो चुकी है, एक ऐसी कौम जिसका बुरा हाल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास क्या है? हमारे पास गैरतमंद लीडर है, हमारे पास एक यूर कौम है। हम लोग एक यूर कौम है और हमने ना सिर्फ इन 24 घंटे में इनसे लड़ाई की है, हमने फतह हासिल की है। और फतह हमने अपने भाइयों के अगेंस्ट ही हासिल की, अपने इदारों के अगेंस्ट ही हासिल की, हमने इस करप्ट निज़ाम के अगेंस्ट हासिल की है जो कि मरियम नवाज का लाया हुआ है, जो कि खून की प्यासी है सिर्फ एक शख्स की। उसे ना आवाम से फर्क पड़ता है, ना उसे मैशियत से फर्क पड़ता है, उसे किसी चीज से नहीं फर्क पड़ता। उसके अंदर इस टाइम जो है वो भड़क रहा है कि मैंने वो बदला लेना है। तो अगर आपने बदला लेना है तो हिम्मत करें और वो जो हमारे एक्स आर्मी चीफ थे उनसे फिर बदला लेके दिखाएं, जिनका नाम आप रिकॉर्ड में रहा है उनसे ले। मुझे ये बताएं, आज जो सीधी फायरिंग की गई है खवातीन के ऊपर, क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? मेरे भाई जो हैं वो हमारे, मेरे भाई मेरे बुजुर्ग थे, वो हमारी हिफाजत के लिए आए थे, लेकिन क्या करें उनके ऑर्डर्स थे। और एक हमारा भाई था, उसने कहा था मैं पेटी देता हूँ, मैंने नहीं ऑर्डर मारे, और वो एंड पे चला गया था। तो मुझे समझ नहीं आती, मुझे एक और भाई ने कहा, कल मैं उस साइड पे थी, तो मुझे उन्होंने कहा बाजी हमारी बहनें हैं, हमारी भी माँ है और हम गैरतमंद लोग हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो इसमें आपने खुद डिफ्रेंशिएट करना है, आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। आप एक अच्छे खानदानी ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान में खानदानी निज़ाम है, हमने अपने आप को प्रमोट करना है कि मेरे गलत का साथ देने सही का साथ दे, नौकरी जरूर करें। आप पुरमन एहतजाज करने दें, आप लाठीचार्ज ना करें, आप शेज ना फेंके और आप जो है डंडे ना बरसाए। आप तो मैं मारने के लिए आए, हम क्या फलस्तीन की कौम है? क्या हम आजाद कश्मीर की है? मुझे ट्विटर पे मैसेज आ रहे थे कि हमने इतनी बदतरीन शेयरिंग बर्दाश्त की है और अब आप लोगों को देख के मैं दुख लग रहा है। तो मैंने कहा भाइयों कोई बात नहीं है, ये भी वक्त गुजर जाएगा, तुम्हारा वक्त गुजर गया तो हमारा भी गुजर जाएगा, ये तो मोदी के यार हैं तो यही करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी जो एक्टिविटी की गई है, अभी दोबारा क्या पुलिस आएगी? आप तैयार हैं इस चीज के लिए? ऑब्वियसली हम तैयार हैं, ये आएंगे, ये कभी भी जो है ना वो इन्होंने अदालतों को, तो अदालतों की बात तो इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। जिस औरत और जो लीगल टीम उसके पास है, आजम नजीर टॉटसॉफ, इतना बड़ा नाम, भाई आपको लॉ ही नहीं पता, आप कानून की तशरी अपनी कर लेते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ना इनको कानून पता है। जो औरत इंग्लिश में मास्टर्स करे और पीएचडी जो है वो सियासत में कर ले, उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं, आज 15 मार्च है, आज के दिन खान साहब के ऊपर 500-600 से ज्यादा शेल गिराए गए हैं, आज पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, 1.9 मिलियन जो है मुसलमानों की आवाज़ खान साहब ने बुलंद की है, क्या बोलेंगी आज के दिन के बारे में आप? ये एक क्लियर मैसेज है, अल्लाह ताला कहता है कि तुम दूसरों के पर्दे रखो, मैं तुम्हारे पर्दे रखूंगा। खान एक गयूर कौम का लीडर था, खान की एक एक दिन जो है, एक एक डेट तारीख में लिखी जा रही है, जो जो वाकयात और हालात है वो आप तब से देखें जब वो डायरी लेके निकला था, और आज से देखें, आज उसी लीडर को जिसने अक्वामे मुत्तहिदा में मुसलमानों का रखा था पैगाम, मुसलमानों को इज्जत दिलवाई थी, उसी लीडर के घर के ऊपर आपने शेल गिराए हैं। आप मोदी नहीं है, आप जो है वो इसराइल की प्रेसिडेंट नहीं है, आप तो मुसलमान की बेटी हैं, आप ये अपने मुसलमान भाई के साथ कैसे कर सकते हैं? ये सियासत आपको और जमहूरियत ये बताती है आप किस चीज़ का बदला ले रही हैं आवाम से? ये 22 करोड़ आवाम का वजीर आजम है ये इमरान, हम तो आपको कुछ नहीं मानते, हम अच्छा, तो आपको एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी भी नहीं मानते। मुझे ये बताएं, ये सारी सूरत हाल देख के जिस तरह पाकिस्तानी कौम निकली, क्या अप्रिशिएट करेंगे आप पाकिस्तानी कौम को? मेरे भाई, मैं अपने भाइयों को सबसे पहले, जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने चपेड़े खाई, जिनके खून बहे, मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और मेरे जैसे लोग या जो लोग अपने बच्चे छोड़ के आए हैं या वो भाई जो 6-6 महीनों से यहाँ पे हैं, खराज तहसीन पेश करती हूँ। भाई कौन कहता है आवाम नहीं निकली?
आवाम घरों पे बैठी है भाई, जो घरों पे बैठी थी वो पानी ला के दे रही थी, जो मस्जिदों में बैठे थे वो कह रहे थे बाजी आए बाजी बैठे, जो घरों में बैठे थे वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे। नो डाउट सोशल, मैं खुद रेस्ट करने जाती थी स्पेस में, बताती थी ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है। तो हर बंदा जो उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, और यही इमरान खान का हुसन है कि उसने अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस लोगों को उनके बॉक्सेस में रखा। आपकी तरह हर बंदे को नौकर मुलाजिम नहीं बना लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये भी आपने देखा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की टाइग्रेस जो है ये दिन रात खान साहब की लिए जो यहाँ पे शेलिंग भी खाई, इन्होंने सीधे फायर भी खाए, अभी भी इनके हौसले बुलंद है और इनका यही कहना है कि हम खान साहब को कभी गिरफ्तार नहीं होने देंगे।